हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल। एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स के शो में 15 अक्टूबर 2019 का क्वेश्चन। और आपको पता है हम आपके लिए जो है डेली 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं और इसकी पूरी डिटेल्स एनालिसिस करते हैं ताकि आपका स्टैटिक जीके भी कवर हो जाए और एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स रिलेटेड आपका ना छूटे। तो प्लीज़ आप इस एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि पहला है कि किस देश के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा 5 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं। ये किस देश के हैं जो नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा 5 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं। पहला ऑप्शन है नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पोलैंड और इंग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, नीदरलैंड के हैं नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा। ये हैं नीदरलैंड के, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इसके रिडल्स की बात करते हैं तो नीदरलैंड के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा 5 दिन की भारत यात्रा पर, और नीदरलैंड के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुँचे हैं और इस दौरान वे द्विपक्षीय आर्थिक राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के शीर्ष नेताओं के साथ बैठकें करेंगे। शाही दंपत की 2013 में राजशाही संभालने के बाद भारत की यह पहली सरकारी यात्रा है। परीक्षा की दूसरी बात करते हैं तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम और प्रधानमंत्री है मार्क रूट और मुद्रा यहाँ क्या अंटिलस गिल्डर और एक जो है अंटिलस गिल्डर में 38 इंडियन रुपीस होता है। तो ये है इस प्रश्न का डिटेल्स। नीदरलैंड के हैं नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट और जो आपका राजधानी है नीदरलैंड का एम्स्टर्डम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने सेकेंड के ब्रिक्स देशों के संस्कृत मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई। ब्रिक्स देशों के संस्कृत मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई। पहला ऑप्शन है भारत, रूस, ब्राज़ील और चीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ब्राज़ील में जो है ब्रिक्स देशों के संस्कृत मंत्रियों की बैठक हुई है ब्राज़ील में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अब इसके रिजल्ट्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स देशों की संस्कृत मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में आयोजित हुई और ब्रिक्स देशों के संस्कृत मंत्रियों की बैठक का आयोजन ब्राज़ील के क्यूरीटिबा में किया गया है और भारत के संस्कृत एवं पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इस बैठक में भाग लिया। परीक्षा के दृष्टि से बात करते हैं तो ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का संघ है और सदस्य हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था। तो यह है इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आज का तीसरा क्वेश्चन है। WHO की पहली वर्ल्ड विजन रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया में कितने लोग दृष्टि दोष से पीड़ित हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पहली वर्ल्ड विजन रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया में कितने लोग दृष्टि दोष से पीड़ित हैं। पहला ऑप्शन है 1 लाख, 10 लाख, 10 करोड़ और 100 करोड़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 100 करोड़ है जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो दृष्टि दोष से पीड़ित हैं, यानी आँख की बीमारी से पीड़ित है। अब इसके रिजल्ट्स की बात करते हैं तो WHO ने पहली वर्ल्ड विजन रिपोर्ट 2019 जारी की और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने विश्व वन दिवस 10 अक्टूबर पर प्रथम वर्ल्ड विजन रिपोर्ट 2019 जारी की है और इस रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया भर में 1 बिलियन से अधिक लोग दृष्टि दोष के साथ जी रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से बात करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यह इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आज का फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, 10वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। 10वां अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। पहला ऑप्शन है मदुरई, जबलपुर, पुणे, प्रयागराज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जबलपुर में जो है 10वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, जबलपुर।
अब इसके डिटेल्स की बात करते हैं। तो 10वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव जबलपुर में और 10वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के जबलपुर में होगा और यह महोत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत किया जा रहा है और राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव की संकल्पना वर्ष 2015 में की गई थी। और परीक्षा के दृष्टि बात करते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा 31 अक्टूबर 2016 को विभिन्न राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के लोगों के बीच सद्भाव को बढ़ाने के लिए आरंभ किया गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम 31 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ किया गया था। तो यह इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आज का 5वां क्वेश्चन है। दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? पहला ऑप्शन है 25वें, 15वें, 10वें और 7वें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 7वें स्थान पर है। दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड वाले देशों की सूची में भारत 7वें नंबर पे है। अब इसके रिजल्ट्स की बात करते हैं तो दुनिया का 7वां सर्वाधिक मूल्यवान देश बना भारत और दुनिया के सबसे मूल्यवान यानी वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल नेशन ब्रांड्स ब्रांड वाले देशों की सूची में भारत 2 स्थान ऊपर उठते हुए 7वें स्थान पर पहुंच गया, यानी इससे पहले जो है 9वें नंबर पर था। इस सूची में अमेरिका जो है पहले नंबर पे है, चीन दूसरे नंबर पे और जर्मनी तीसरे स्थान पर है। और किसी देश की ब्रांड वैल्यू उस देश में अगले 5 साल में सभी ब्रांड्स के प्रोडक्ट की बिक्री के अनुमान के आधार पर तय होती है। तो यह इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आज का 6वां क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। अब इसके रिजल्ट्स की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है और यह दिन जो है आपदाओं के जोखिम को कम करने और उन खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के संदर्भ में मनाया जाता है। और 2019 के लिए थीम है कि रिड्यूस डिजास्टर डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक सर्विस। परीक्षा की दृष्टि बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और मुख्यालय है न्यूयॉर्क, महासचिव है एंटोनियो गुटेरस और सदस्य देश है 193। आधिकारिक भाषाएं इसकी 6, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी और रूसी स्पेनिश। तो ये हैं 6 भाषाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आज का 7वां क्वेश्चन है। भारत विश्व के कितने शीर्ष शहरी नेटवर्क तथा प्रौद्योगिकी संचालन संगठन में शामिल हुआ है? पहला ऑप्शन है 10, 15, 20, 25। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 15। भारत विश्व के कितने शीर्ष शहरी नेटवर्क प्रौद्योगिकी संचालन संगठन में शामिल हुआ है? तो ये आपका बी ऑप्शन 15। अब इसके रिजल्ट्स की बात करते हैं तो भारत स्मार्ट सिटी वैश्विक गठबंधन में शामिल हुआ और भारत जो है विश्व के 15 शीर्ष शहरी नेटवर्क तथा प्रौद्योगिकी संचालन संगठन में शामिल हुआ है और यह संगठन स्मार्ट शहर की प्रौद्योगिकियों के नैतिक व जिम्मेदार इस्तेमाल की दिशा में काम करेगा। ये था इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आज का 8वां क्वेश्चन है। किस देश के एलियुड किपचोगे किपचोगे 2 घंटे से कम में मैराथन पूरी करने वाले दुनिया के पहले धावक बन गए हैं? किस देश के हैं एलियुड किपचोगे जो 2 घंटे से कम मैराथन पूरी करने वाले दुनिया के पहले धावक बन गए हैं? पहले ऑप्शन है केन्या, इथोपिया, क्यूबा, मोजाम्बिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, केन्या के हैं एलियुड किपचोगे जो 2 घंटे से कम में जो है मैराथन पूरी कर लिए हैं। अब इसके डिटेल्स की बात करते हैं तो केन्याई धावक एलियुड किपचोगे 2 घंटे से कम में मैराथन पूरी
करने वाले दुनिया के पहले धावक बने और केन्या के एल्यूड किपचोगे ने 1:59:40.2 में और 42.195 किलोमीटर की मैराथन पूरी करने वाले दुनिया के पहले एथलीट बन गए हैं और इससे पहले भी सबसे कम समय 2:01:39 में मैराथन पूरी करने का रिकॉर्ड उनके ही नाम था जो उन्होंने 2018 में बर्लिन में बनाया था। यह है इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आज का 9 नंबर क्वेश्चन है। टेस्ट चैंपियनशिप में 200 अंक पाने वाली पहली टीम कौन बन गई है? टेस्ट चैंपियनशिप में 200 अंक पाने वाली पहली टीम कौन बन गई है? पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, भारत जो अपना देश है टेस्ट चैंपियनशिप में 200 अंक पाने वाली पहली टीम बन गई है। अब इसके डिटेल्स की बात करते हैं तो टेस्ट चैंपियनशिप में 200 अंक पाने वाली भारत पहली टीम और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को टेस्ट मैच में एक पारी और 137 रन से हरा दिया और इस जीत के साथ भारत ने 3 टेस्ट मैचों की फ्रीडम ट्रॉफी में 2-0 से अजय बढ़त बना ली है और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में लगातार 4थी जीत के साथ भारत ने 200 अंक का आंकड़ा प्राप्त किया है और ऐसा करने वाली भारत पहली टीम है। तो यह इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आज का 10वां क्वेश्चन है कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता है? विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता है? पहला ऑप्शन है मैरी कॉम, लवलीना बोरगोहेन, जमुना बोरो और मंजू रानी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मंजू रानी जो है विश्व महिला मुक्केबाज चैंपियनशिप में रजत पदक जीती है। अब इनके रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं तो विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मंजू रानी को रजत पदक मिला और मुक्केबाज मंजू रानी ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है और भारत को इस प्रतियोगिता में 1 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 4 पदक मिले हैं। इसके अलावा मैरी कॉम, जमुना बोरो और लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता है। तो यह है इस प्रश्न का डिटेल्स। उम्मीद करते हैं अब आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें और जो भी आपको सुझाव देना आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी सुझाव दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे इस एग्ज़ाम ट्रेनर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल दी बेस्ट।